और ये आए हैं मिट्टी मिट्टी अलोन मिट्टी हमेशा की तरह अमेजिंग हस्बैंड वाले काम करते हुए सफाई करके उन्होंने रूम साफ़ किया है। मैंने किचन में बर्तन वगैरह थे वो किचन क्लियर किया है। तो मिट्टी बनाने लगे। आज आप क्या बनाने लगे मिट्टी? हाँ बीफ बिरयानी। लेकिन आज वो मेरी स्टाइल की बनाएंगे। तो मैं अपनी लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। So I'm going to make my coffee. और वो सर पापा इससे शोर कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाउस हेल्प आई है। तो वो उनको पता करना होता कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तो कॉफ़ी इज़ रेडी। दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर मिट्टी एंड दिस इज़ फॉर दीदी। सो या तो गाइस ये रही, हम लोगों ने पूरी सफाई कर ली है और टॉयलेट भी धुल चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं और मिट्टी कॉफ़ी पियेंगे और फिर देखते हैं कैसा आज का दिन गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन। सो व्यूअर्स, सब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, सलामत रहें और हमेशा आबाद रहें और आपके खाने और आपकी जायके हमेशा आबाद रहें। चलें जी, आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी। ठीक है, तो मैंने पाकिस्तानी बीफ लिया था और साथ में आज मैं नेशनल सिंधी बिरयानी मसाला मैंने लिया था और साथ में अच्छा इस मैंने पहले गोश्त बना लिया था। गोश्त में जब मैंने बॉयस को डाला पानी के साथ तो इसमें मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला, सिर्फ प्याज टमाटर ठीक है और हर थोड़ी सी लाल मिर्ची और काली मिर्ची और गरम मसाला डाल के मैंने इसको पकाया है ठीक है, ताकि ये गल जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए। उसके बाद मैंने आलू लिए, आलू को मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया। अगर आपको इस तरह कलर करने हैं तो आपने थोड़ा सा पानी उसमें कलर डाल के गर्म कर लेना है पानी को और उस पानी में डिप करना है 3 से 4 मिनट ताकि वो ये कलर आ जाए। उसके बाद मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर लिया है, दही लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चूँकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब आप ऑयल में प्याज को फ्राई करें तो हमेशा प्याज गरम लिया करें। तो ये मेरा थोड़ा सा सालन जो उसका था वो बच चुका है तो इसको मैं बाद में डालूंगा। तो आपने इस तरह से क्या करना है, अपने सारे प्याज ऐड करने हैं इसके अंदर ठीक है। तो ये आपके प्याज हो गए। तो उसके बाद इसी तरह हम अपना मसाला रेडी करेंगे। तो आपके प्याज लाइट ब्राउन आपने करने हैं ठीक है, इस तरह से। जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। एक्चुअली मैं कुछ और मसाला नहीं ले रहा यहाँ पर, मैं ना इजाफी नमक डाल रहा हूँ ना इजाफी कोई और चीज़ डाल रहा हूँ, सिर्फ ये मसाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अपने मसाला जार डाल चुका हूँ ठीक है। तो ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे। और पानी मैंने चावलों के लिए रख दिया है, थोड़ी देर में बॉयल हो जाएंगे, पानी बॉयल होगा। इस पानी के अंदर मैंने नमक डाला है और ताकि थोड़ा नमक का टेस्ट चावल में आ जाए। और दूसरा मैंने लेमन डाला है। अक्सर लोगों के चावल जो हैं शाइनी नहीं होते, शाइनी करने के लिए आप इनको क्या कर सकते हैं, शाइन देने के लिए आप इसमें लेमन डाल सकते हैं ताकि आपके चावल जो हैं वो थोड़े शाइनी हों। तो अगर जिनके चावल जुड़ते हैं तो बॉईल करने जो बॉईल करते हैं तो उसमें प्याज डाल दिया करें तो वो जुड़ेंगे नहीं। तो जी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, इसके साथ मैंने चावल अपने ऐड कर दिए हैं ताकि जैसे जैसे मेरा मसाला रेडी होता है तो उसके साथ साथ हमारे चावल भी तैयार हो जाए। तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। तो उसको भी हल्का सा आपने ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। चमचा आपने इसी तरह हिलाते जाना है ताकि जुड़ ना जाएंगे, असल में चिपक जाता है बाजू का। तो वैसे नॉन स्टिक हो तो इसमें नहीं जुड़ता, मगर अगर नॉन स्टिक नहीं है
तो उसमें ये चिप जाती हैं, हमारा जो मसाला जाते होते हैं। तो इसी तरह आपने इनको अच्छी तरह से इस तरह मिलाना है ताकि ये मिक्स भी हो जाए और ब्राउन भी हो जाए और जुड़े भी ना। और दही को हमेशा डालने से पहले आपने अच्छी तरह इसको फेंट लेना है। जैसे ये देखें मैंने इस तरह फेंटा हुआ, आपने इसको फेंट के रखना है, नहीं तो अंदर उसके जो है ना रह जाता है दही। तो इसको आपको इस तरह से ब्राउन करना है। अब हमारी बारी है टमाटरों की, तो हम टमाटर ऐड करेंगे इस तरह से। टमाटर ऐड करके अब इनको थोड़ा सा पकाएंगे इसके अंदर। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, आलू और गोश्त को और दही वगैरह जो था। अब इसमें आपने इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि गोश्त तो गल चुका होता है मगर जो हमारे आलू हैं वो गल जाएंगे, तो फिर हम मिक्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, हमारा सालन भी बन चुका है। ये पहले की तरह हम नहीं बना रहे, भी बिरयानी को हम डिफरेंट तरीके से बना रहे। ये मेरा स्टाइल है, नहीं हमारा। और एक बार भी किचन में नहीं आई, बस अभी मोबाइल पकड़ने के लिए आई है, बस छुट्टी है ना मेरी आज। हाँ छुट्टी, मेरी छुट्टी तो जब से शादी हुई है तब से किचन से छुट्टी है। तो इस तरह से आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर और आपने तवे लगाते जाना है। कलर किधर है आपको? कलर मैंने खोल के रखा है ऊपर से। फिर अभी मिट्टी लगा रहे हैं लेयर्स। मुझे जबकि बीफ जो है ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, लेकिन मिट्टी का फेवरेट है तो मैंने कहा कोई बात नहीं। चिकन नहीं, बीफ बिरयानी चाहिए तो आपको बीफ पुलाव जो भी होता है बीफ पहले। आप हम लोग अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा मौसम दिखा दें अपना, जब तक आप कंप्लीट मौसम देखें। हमारे इधर बहुत हवा चल रही है, ये हमारे कुछ न्यू एडिशन आए हैं पौधे, हम पुदीना का है समथिंग। वो देखो थैलियाँ उड़ रही हैं, थैलियाँ उड़ रही हैं मिट्टी। वो देखिए, ये देखिए, यानी अभी आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस टाइप की हवा चल रही है। थैली उड़ रही है पतंग की तरह। तो कुछ एरियाज में बारिश भी हुई है और या और डीडी यू केम बैक बिकॉज आई वाज लाइक ओके लेट हिम लेयर इट। तो हम लोगों ने डीडी को वापस बुलाया क्योंकि उसका दिल कर रहा था बिरयानी खाने को। तो फिर हम लोगों ने दोबारा कॉल की, वो घर के पास ही रहती है। ये देखिए ये डाल रहे मिट्टी कलर और लास्ट मिट्टी आपको लेयर वो पूरी डाल, मैं तो पूरी डाल लेती ना। मिट्टी बनाते एक्चुअली कराची स्टाइल खाना टोटली, पर मेरा वेजर डिफरेंट किस्म का बनाती हूँ खाना। सो या आप इसमें ऊपर से धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते। मैं जब लेयरिंग करती हूँ मैं हर लेयर में धनिया कलर और साल में जो होता है वो डालती हूँ। हमारा धनिया था नहीं, वो अभी तक हमने तोड़ा नहीं है। पुदीना होगा वह, हाँ मैंने दिखाया तोड़ के डाल सकते हैं वो। पुदीना नहीं नहीं भी आप कर चुके हो तो ऊपर से डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो जो ये लास्ट है फिर हम इसको कलर दम कितने देर का आप दे रहे हो? ज़्यादा अगर आप दें 10 से 15 मिनट होना चाहिए बस। ले रहे हैं फ्रेश फ्रेश मिंट हमारे अपने गार्डन से, मिनी गार्डन फ्रेश मिंट। ये धोएंगे fresh and going to put fresh mint I think so we can take this picture for the thumbnail. तो हम खा के बताएंगे फाइनल लुक हम आपको देंगे। मिट्टी लगाने लग गए दम और फिर उसके बाद हम खाएंगे। ये रहा मेरा मिनी गार्डन, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ देख कर इनको। तो हम लोगों ने आज अपनी बिरयानी में ये फ्रेश मिंट इधर से उतारा है। तो इतना कुछ पता नहीं गार्डनिंग का बट देखते हैं। और बहुत ही प्यारा मौसम है ये देखें,
ये दूसरा एक इलाका लगता है, हमारी बालकनी से नज़र आता है और मुझे बहुत पसंद है बालकनी। और देखना शाम में बहुत खूबसूरत लगेगा ये, हमारा गार्डन भी बहुत प्यारा लगेगा। तो शाम को भी मैं ज़रूर एक छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी कि हमारी इवनिंग रूटीन क्या होती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेडी हो चुकी है, दम भी लग चुका है और हमारी बिरयानी कुछ इस तरह से दिख रही है। और अभी मिट्टी इसको, अच्छा मामा जब बनाते थे ना तो मामा मिक्स नहीं करते थे।